कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत को विदेशों से लगातार मदद मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मदद के तौर पर अब तक भारत को 27 अप्रैल से 8 मई तक 6,739 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3,856 ऑक्सीजन सिलेंडर, 16 ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट, 4,668 वेंटिलेटर और लगभग 300,000 रेमडेसिविर के वायल मिल चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार भारत सरकार को विभिन्न देशों और संगठनों से कोरोना राहत चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों की सहायता मिल रही है। मंत्रालय ने कहा कि 8 मई तक यूके, कनाडा, थाईलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, मलेशिया से मदद मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि विदेश से आने वाली सामग्री को एयरपोर्ट से ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थानों को तत्काल भेजा जा रहा है। को बता दें कि 20 दिन में देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति में 4,511 टन की बढ़ोतरी हुई है। ऑक्सीजन के उत्पादन और ढुलाई क्षमता में बढ़ोतरी से यह संभव हो पाया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 15 अप्रैल को देश के विभिन्न अस्पतालों को 4,783 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई, जो 5 मई को 9,294 टन के स्तर पर पहुंच गई। 7 मई को 8,415 टन की आपूर्ति रही, 8 मई को 8,900 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।